शराबबंदी में नहीं मिलेगी ढिलाई, अभी और कड़ाई करेगी सरकार। शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश का बड़ा बयान, नहीं मिलेगी ढिलाई, बढ़ेगी कड़ाई। बिहार में शराबबंदी को लेकर इस समय जमकर सियासत हो रही है। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं, जबकि अब उनके सहयोगी भी शराबबंदी पर सवाल उठाने लगे हैं, जो कि सरकार के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है। इस बीच एक बार फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं मिलने वाली है। बिहार पुलिस सप्ताह 2021 के समापन समारोह के मौके पर बीएमपी 5 के मिथिले स्टेडियम पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी लोगों की भलाई के लिए है और ये आगे भी लागू रहेगी और इसमें कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। वहीं शराबबंदी के बाद भी बिहार में शराब मिलने की बात पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होते ही हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि शराबबंदी गलत है। इस दौरान सीएम ने अच्छे काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने शराब के सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहा कि दारू पीने से 18% आत्महत्या के मामले देखे गए हैं। इस पर WHO ने रिसर्च रिपोर्ट भी जारी किया है। 27% सड़क दुर्घटनाएं ड्राइवर की शराब पीने की वजह से होते हैं। शराब का सेवन करने वाले 48% लोग लीवर की गंभीर बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। 26% लोगों को माउथ कैंसर और पेनक्रियास की बीमारी हुई है। शराब पीने वाले युवाओं की मृत्यु दर 13.5% है। उसके सेवन से 200 प्रकार के रोग होते हैं। उन्होंने शराबबंदी के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर लिखने वाले पर तंज कसते हुए कहा कि बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ लिखते हैं, समझते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन लिखते हैं गड़बड़। बापू भले नहीं हैं, लेकिन उनके विचार जब तक देश में हैं तब तक जिंदा रहेंगे। कुछ लोग दारू के साथ धंधे में लगे हैं, उन पर नज़र रखी जाएगी कि कहाँ से लाते हैं और कहाँ भेजते हैं। उन पर गंभीर कार्रवाई हो, चाहे जो भी हो। सीएम ने कहा कि कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि शराब तस्करों ने एक दरोगा की हत्या कर दी। इस पर हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए कहा कि कहीं भी ऐसी कार्रवाई करने पुलिस वाले जाएं तो पूरी टीम जाए, इक्का दुक्का पुलिसकर्मी मौके पर नहीं जाएंगे। सीएम ने साफ साफ कह दिया कि शराबबंदी कानून में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी और ये कड़ाई से लागू रहेगी। कार्यक्रम में पुलिस पदक प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागीगण, कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत लोग भाई, मैं सबसे पहले बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर सारे पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। और अभी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि बिहार पुलिस सप्ताह पहली बार 1958 में आयोजित किया गया, इस बार एक बार 1981 में आयोजित किया गया और उसके बाद 2007 से नियमित तौर पर यह पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है। 14 वर्षों में हर साल यही 22 से 27 फरवरी के बीच में बिहार पुलिस सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अब मुझे भी पहले भी कुछ कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है और शायद पिछली बार हम 3 साल पहले 18 में आए थे और उस अवसर पर भी आप सब लोगों को बधाई देने का अवसर मिला। आज फिर आपके अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।